सुल्तानपुर जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन जफर सुपारी के भाई और छोटा राजन के शार्प शूटर मुबारक खान ने जताई अपनी हत्या की आशंका। पेशी पर पहुंचे डॉन मुबारक खान ने कहा कुछ विधायक और मंत्री कराना चाहते हैं उसकी हत्या, सुरक्षा की मांग की। भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में है जेल में बंद। बता रहे मंत्री विधायकों की ये मंत्री विधायकों की ही देन है, ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं कचहरी में, अंडर कस्टडी मरवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं क्या नाम है बुलेट प्रूफ जैकेट और इन सब की मांग कर रहा हूँ। और मुझे हाई क्लास की सिक्योरिटी अभी तक दी जा रही है लखनऊ में, ऐसा मेरे साथ 3 दिन गाड़ियां लगाई जाती थी और यहाँ आने के बाद एक गाड़ी है उसमें 4 कांस्टेबल हैं। जैसा कि खान भाई यूपी में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, क्या पुलिस से आपको खतरा है आज कोई? नहीं, पुलिस से खतरा, नेताओं से खतरा है, नेता पुलिस के जरिए मैनेज करके मुझे। सुल्तानपुर में चांदा थाने के बनारा गांव में पिता की डांट से क्षुब्ध होकर 20 वर्षीय चंदन ने खाया जहर, घर में कोहराम मचा, हालत नाजुक, डॉक्टरों ने किया लखनऊ रेफर। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर, 55 वर्षीय हरिवंश सिंह हुए घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल, विद्युत कटौती की मार का दंश भोग रहे हैं मरीज, 3 महीने से नहीं चल रहा जनरेटर, मरीज हुए हलकान, अस्पताल प्रशासन साधे है चुप्पी। सुल्तानपुर के कोयरीपुर में घरेलू कलह से तंग आकर 18 वर्षीय अभिषेक ने पिया कीटनाशक जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत, 3 हुए घायल, स्थानीय अस्पताल में चल रहा है इलाज, परिवार में मचा कोहराम। सुल्तानपुर के अखंड नगर में देसी शराब से भरी ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, दोनों गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, 2 को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर में मचा है बिजली संकट, 18 से 24 घंटों तक गायब रहती है बिजली, हाहाकार मचा, ओवरलोड के चलते पंजाबी कॉलोनी के पास ट्रांसफार्मर धू धू करके जला, बिजली प्रशासन साधे है चुप्पी।